हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मोना फूड एंड ट्रैवल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो केक दोबारा से, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज मैं इसमें चॉकलेट गनाश के साथ बनाऊंगी, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। और ये बनाना बहुत आसान है, और अगर आप एक बार इसे बना के ट्राई करेंगे तो आप सीरियसली कहेंगे कि यस, ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 पैकेट ओरियो के। एक पैकेट जो है वो 120 ग्राम का है, तो मैंने अभी 2 पैकेट यूज़ किए हैं। उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में, और अब मैंने उसे एक बॉल में ले लिया है। बॉल में लेने के बाद उसमें आप एक तरीके से चेक कर लीजिए कि उसमें कोई भी जो है बिस्किट का टुकड़ा या फिर कोई पीस रह ना गया हो, ताकि आगे हमारे केक बनने में कोई परेशानी ना आए। तो इसको अच्छे से जो है वो हम चेक कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 TSP। तो बेकिंग सोडा आप हमेशा इसी तरीके कोई भी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो डब्बे में होना चाहिए और खाने वाला सोडा ही यूज़ करें। और इसे भी मैं अच्छे से जो है केक मिक्सचर के साथ मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। तो हमने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल काउ मिल्क लिया है, आप कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मिल्क का जो अमाउंट है वो हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे, मीन्स कोई भी ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं है कि हम इतना ही मिल्क ऐड करेंगे। तो जब भी आप केक बनाएं, सिर्फ बिस्किट केक नहीं, आप कोई भी केक बनाएं, तो उसमें आप मिल्क अपने अकॉर्डिंगली ऐड करें, ताकि हमारे जो केक की कंसिस्टेंसी है लास्ट में हमें वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी मिले। तो अगर मैं आपसे यहाँ कह दूँ कि मैंने आधा कप यूज़ किया है, हो सकता है कि आप आधा कप डालें और आपकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ना आए, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है और उसमें से मैंने 1/3 यूज़ किया है। तो इसी तरीके से आप जो है वो यूज़ करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मिल्क ऐड करते करते जो है मेरी कंसिस्टेंसी केक की इस लेवल पे आ चुकी है। तो जब तक ये फ्लोइंग नहीं होगी, मैं इसमें मिल्क मिक्स करती रहूँगी। और आपको मिल्क मिक्स करते टाइम किसी भी केक की रेसिपी जब भी आप बना रहे हो, तो आपको विस्कर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारी ओवर मिक्सिंग हो जाती है और हमारे केक जो है वो अच्छे से नहीं फूलती है या स्पॉन्जी नहीं बनती है। तो जब भी आप लिक्विड इंग्रेडिएंट लास्ट में ऐड करेंगे, तो प्लीज़ इसी तरह से स्पैचुला का यूज़ करें और कट एंड फोर्थ का मेथड यूज़ करें, ताकि हमारे केक हमें अच्छे से हम उसे मिक्स कर सकें और हमें उसकी कंसिस्टेंसी का पता भी चल जाए। तो यहाँ पे जो है मेरा जो है केक की कंसिस्टेंसी ऑलरेडी रेडी है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, मेरे को इसी लेवल तक चाहिए। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि आपकी केक अभी नहीं सही से फ्लोइंग हो रही है, तो आप उसमें देर और भी ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे 1 TDSP ऑयल ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है तो यूज़ कर सकते हैं। और इस लिक्विड को भी ऐड करने के बाद थोड़ी सी आपके केक की कंसिस्टेंसी और जो है थोड़ी सी लिक्विडी हो जाएगी। तो बाकी जो मैंने मिल्क है वो छोड़ दिया है, और अब मेरा जो केक का मिक्सचर है वो एकदम रेडी है। तो अब हम इसे जो है केक टिन में ऐड करेंगे। यहाँ पे केक टिन
और ओवन, या फिर आप कोई भी बर्तन यूज कर रहे हैं केक बनाने के लिए, तो उसको सबसे पहले केक मिक्सर से पहले ही उसे रेडी कर लें, ताकि आपका जो है वो प्री हीट हो जाए बर्तन भी, और जो आपका केक ट्रीन है वो पहले से रेडी रहना चाहिए। बिकॉज कंसिस्टेंसी आने के बाद हमें केक के मिक्सर को बहुत देर तक रेस्ट पे नहीं छोड़ना होता, डायरेक्ट हमें ओवन में डालना होता है। ओवन या फिर आप कढ़ाई किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए कि एकदम से उसको इंस्टेंट हाई टेम्परेचर मिल जाए। इसके बाद जो है हम इसे टैप करेंगे एक दो बार, और इस तरीके से आप कोई भी स्टिक लेके उसको उसका एयर रिमूव कर सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई स्पून, उल्टा स्पून यूज़ भी कर सकते हो, ताकि इससे क्या होता है कि जितनी भी एयर अंदर होती है वो सारी ईजिली रिमूव हो जाती है और हमारा केक जो है ईजिली अच्छा स्पॉन्जी बन जाता है। तो चलिए अब इसे मैं ओवन में रखूँगी। मैंने इसे कुक किया है 150 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए। आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग या फिर रोटी जी या फिर जो भी आपका बर्तन है उसमें आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया ओटी जी से और मेरा केक यहाँ पे एकदम रेडी है। अब मैं इसे केक प्लेट पे निकाल के रख लूँगी और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी होममेड गनाश। तो आप उस गनाश को इजीली बना सकते हो। मैंने उसकी रेसिपी नहीं डाली है क्योंकि वो बनाना बहुत आसान है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी उसकी रेसिपी डालूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पॉन्जी बनके रेडी हुई है, और ये हमने सिर्फ दो बिस्किट के पैकेट से केक रेडी की है। तो आप भी इस तरीके से केक ज़रूर बनाएं और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ हमारे चैनल के थ्रू बनाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमारे लिए एक तरह का फीडबैक होता है कि हमारी रेसिपी आप कितने अच्छे से बना पाए हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी अपनी चॉकलेट गनाश। तो इसे हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और पूरे केक पे अच्छे से कोट कर देंगे, ताकि कोई भी जो है हिस्सा केक का रहे ना। ये जो चॉकलेट गनाश अगर आप बनाएंगे ना, तो आप बहुत ही, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये चॉकलेट केक आपका घर में इतने इजीली बनके और इतना टेस्टी बनके रेडी होगा। ये जो चॉकलेट गनाश है ये हमारे केक स्पॉन्जी होने के कारण उसके अंदर तक पूरा मिक्स हो जाती है, और जब आप इसे एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप इसे ट्राई करेंगे केक को खाएंगे, तो ये मार्केट से भी 10 गुना ज़्यादा अच्छा केक घर में रेडी कर सकते हैं सिर्फ 40 रुपए में और कुछ चॉकलेट गनाश बना के। तो साइड में मैंने आपको दिखाया है कि मैंने चॉकलेट गनाश कैसे बनाई है। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉयलर यूज़ किया था और उसमें मैंने एक कप ली थी चॉकलेट ग्रेट की हुई। तो यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट यूज़ की है, और आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, जो भी चॉकलेट आपको पसंद हो, लेकिन अगर आप डार्क करेंगे तो उसमें डार्क कलर आएगा। साथ में मैंने उसमें यूज़ की थी हैवी क्रीम, और आप चाहें तो उसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत आसान होता है, हमें इसे डायरेक्ट हीट पे नहीं रखना होता है, हमें इसे डबल बॉयलर की हेल्प से ही बनाना होता है। केक पे हमने ग्रास डाल के केक को रख दिया था आधे घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद केक को आप निकालें, या तो आप ऐसे एंजॉय करें केक को, या फिर आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक को डेकोरेट किया है बिस्किट के दो पीसेस से हाफ हाफ, तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ बिस्किट का अच्छे से एक चूरा बना लिया था और उसे भी ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ में व्हाइट बीट्स के साथ मैंने इसे डेकोरेट किया है। तो आपको मेरा ये केक कैसा लगा और इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी, तो आप मुझे ये ज़रूर बताएं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होती हैं, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि हम जो नेक्स्ट रेसिपी डालेंगे, अगर मैं उसमें आपको कोई और चीज़ बता सकती होंगी तो मैं आपके सजेशन के थ्रू उसे ज़रूर ऐड करूँगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और केक को इंजॉय करें, घर पर ट्राई ज़रूर करें।
अगर अभी तक आप मेरे चैनल से कनेक्टेड नहीं हैं तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को आगे भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से मेरी डेली वीडियोस आती हैं तो मेरी वीडियोस को डेली विजिट करें और बहुत सारी तरीके की रेसिपीज जो हैं मेरे चैनल पे डेली हुई हैं तो उन्हें भी आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच। मेरा एक और चैनल है मोना लाइफस्टाइल ब्लॉग, अगर उसको भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मेरे डेली ब्लॉग्स आते हैं और वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।